और बड़ी खबर इस वक्त की अरविंद केजरीवाल से जुड़ी, आपको बता दें जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने का ऐलान किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में एक संबोधन में उन्होंने इस बात की घोषणा की और कहा कि अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। केजरीवाल का सीएम पद छोड़ने का ऐलान, दो दिन बाद सीएम पद की कुर्सी से इस्तीफा दिए जाने की बात कही है और वो कह रहे हैं कि मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के आम आदमी पार्टी मुख्यालय में इस वक्त संबोधित कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को। और लंबे समय के बाद वापस लौटे अरविंद केजरीवाल, जेल से जमानत पर छूट कर आए हैं और अभी चूंकि रिहाई काफी दूर है, रिहाई की दुहाई और अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा, जिनका ये कहना है कि मैं तैयार हूं अग्नि परीक्षा देने के लिए, दो दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया, अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे दो दिन बाद, और दो दिन बाद वो इस्तीफा देंगे तो कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनवाते हैं आपको। दोस्तों, दो दिन के बाद, आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। जिनकी हमेशा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दो दिन बाद दिल्ली के सीएम पद की कुर्सी से इस्तीफा दूंगा और इस्तीफा देने के बाद तब तक कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदार घोषित नहीं कर दे, जब तक दिल्ली की जनता उन्हें स्वीकार न कर ले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि अभी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर चल रहे हैं, दिल्ली शराब घोटाला मामले में उनका नाम मुख्य आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उस वक्त और इस वजह से उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते अभी इस वक्त वो काम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रचार कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही, लेकिन आज नहीं, दो दिन बाद, और दो दिन में क्या परिस्थितियां बनती हैं ये कुछ भी कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा क्योंकि इस वक्त देश के कई राज्यों में चुनाव होने हैं और उन चुनावों की तैयारी के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर होना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में अब जमानत तो उन्हें मिल गई है, लेकिन इस जमानत में अभी पूरी तरह से उन्हें राहत नहीं मिली है क्योंकि ये जो जमानत उन्हें दी गई है बहुत ही घोर, भारी, गंभीर शर्तों के साथ दी गई है। और क्या कुछ इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा ही सुनवाते हैं आपको। दोस्तों, दो दिन के बाद, आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं।